हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है यह कार एम्पलीफायर सोनी का। तो इस एम्पलीफायर में ब्लूटूथ डिवाइस कैसे इंस्टॉल करेंगे अंदर में, बाहर में तो हर कोई लगा लेते हैं लेकिन बाहर का प्रॉब्लम जो हमेशा होते रहता है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा अंदर में ब्लूटूथ डिवाइस लगाने का। इसमें ना ही USB है, ना कुछ इसमें दिया हुआ, सिर्फ AUX का फंक्शन इसमें दिया हुआ है। और ये भी फंक्शन ना रहे फिर भी आप कर सकते हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, तो जाके हमारे चैनल में विजिट करके सोनी कार एम्पलीफायर के रिलेटेड वीडियो को जाके देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज है इस कार एम्पलीफायर का वीडियो जिसमें छोटी सी ब्लूटूथ डिवाइस को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो लगभग सभी एम्पलीफायर में मैं इसी ब्लूटूथ डिवाइस को इंस्टॉल करता हूँ, जो कि बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑडियो मुझे मिल जाती है। ये 3.0 है, अगर 5.0 मिल जाता आपको तो बहुत ही बेटर रहेगा फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको इससे कार एम्पलीफायर में इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, इस कार एम्पलीफायर को मैं खोलूँगा कैसे, पार्ट टू पार्ट अब इस वीडियो में आप देखते चलिए, ताकि आप भी इसको ईजिली ओपन करके और ईजिली इसको रिपेयर करके ब्लूटूथ डिवाइस ईजिली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड। तो हमारा जो है यहाँ पे कार एम्पलीफायर को खोलने का मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, और जल्दी से चलिए मैं यहाँ पे खोल लूँगा। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ कार एम्पलीफायर में चालू करके देख रहा हूँ, यहाँ पे चालू हो रहा है। और इसमें जो है ब्लूटूथ डिवाइस किस में इंस्टॉल होगा वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैक का फंक्शन दिया हुआ, यहाँ पे आप अपना रिमोट या बटन से यहाँ पे मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पे AUX का फंक्शन आएगा, जो कि मैं अभी आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे AUX मोड करेंगे तो FM मोड में नहीं, इसमें FM मोड में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये AUX फंक्शन इसमें दिया हुआ, जिसमें FM का फंक्शन दिया तो उसमें FM में कर रहे थे फ्रेंड, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे आवाज़ आ रही है जैक से, हाथ रखने से, तो यहाँ पे जैक हमारा काम कर रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, या सॉन्ग बजा के चेक कर सकते हैं जैक से आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा फ्रेंड। तो हमारे पास जैक था तो मैंने जैक से चेक किया, और चलिए मैं आपको इसी जैक के थ्रू यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस को इंस्टॉल करना है। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा टप आपके लिए हो सकता है अगर समझ में नहीं आया, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्टली आप व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले इससे कार एम्पलीफायर को ओपन करते हैं, खोलते हैं पार्ट टू पार्ट। आप इसको देखिए खोलने के लिए किस तरीके से मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ फ्रेंड।
तो फ्रेंड आप इतना तो कर ही लेंगे, खोल लेंगे ओपन इजीली, और सावधानी से खोलिएगा, बहुत ही दिक्कत होती है। हर कार एम्पलीफायर में अलग अलग जगह पे नट रहती है, इसलिए मैं उसमें कुछ बताने नहीं गया, सिर्फ वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए और उसी तरीके से कीजिए। यहाँ पे 8805 है और ये हमारे पास ब्लूटूथ किट है छोटा सा, जिसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा और जिसका डायग्राम मैं आगे वीडियो में बताऊँगा आपको कम्प्लीट। अब ये कार एम्पलीफायर का जो ये पिन है यहाँ पे दिख रहा है, आगे का पिन जो है सब यहाँ पे कनेक्ट हुआ, इस जगह से सारा कनेक्शन आगे पे गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही इजी करते हैं इस एम्पलीफायर को कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है UX का कौन कौन सा पिन है और कौन सा GND है, तो यहाँ से मुझे इजीली इस एम्पलीफायर के मॉडल में मुझे कनेक्शन खोजने में बहुत ही ईजी हुआ और मैं यहाँ पर ईजिली कर पाऊँगा। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है UX करके यहाँ पर लिखा हुआ है, UX GND, UX लेफ्ट, UX राइट, तो यही कनेक्शन को पता करके मैं यहाँ पे कनेक्शन को किया हूँ। तो इसका डायग्राम मैं आगे वीडियो में मैं समझा देता हूँ, ताकि इजीली आप उसको देख के इस कार एम्पलीफायर में आप इजीली कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे दो पिन है, एक पिन छोड़ के यहाँ से एक पिन छोड़ के बाकी दो लेफ्ट राइट है, और इसी के पीछे जस्ट पीछे में जो है दो पिन छोड़ के थर्ड नंबर पिन जो है GND है, जो कि डायग्राम में मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए मैं आपको इस कार एम्पलीफायर के बारे में जो भी था वो चीज़ बताया हूँ, और यहाँ पर डिस्प्ले में ए वाली AUX फंड्स को मैं यहाँ पे हैक कर रहा हूँ, तो इजीली यहाँ पे इसी कनेक्शन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ताकि इजीली इस एम्पलीफायर में ब्लूटूथ डिवाइस AUX मोड करने से ब्लूटूथ डिवाइस आपका काम करने लगेगा फ्रेंड। तो बहुत ही आसान है, और जो नहीं कर पाएंगे अगर कोई कारीगर है मिस्त्री है उन्हें दिखाएंगे इस वीडियो को तो इजीली वो भी कर सकते हैं फ्रेंड। हाँ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है तो कॉस्ट जो है वो लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये कैपेसिटर है हमारा, इस कैपेसिटर से 12 वोल्ट मिल जाएगा, जो कि मल्टीमीटर के थ्रू आप चेक कर लीजिएगा, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव देख लीजिएगा अपना, तो नेगेटिव पॉजिटिव को सही कनेक्ट कीजिएगा। बैक साइड में दो कनेक्शन इसका निकल जाता है कैपेसिटर का, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव इससे 8805 में देंगे 12 वोल्ट, और इससे मुझे मिल जाएगी 5 वोल्ट, और ये ब्लूटूथ किट जो है हमारा 5 वोल्ट से चलेगा फ्रेंड। तो मैं एक डायग्राम दे दूंगा, डायग्राम को थ्रू आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बताएं कैपेसिटर से 12 वोल्ट आपको लेना है, ये आपके लिए ये करना होगा। मेरे पास पतले वायर है, अच्छे क्वालिटी के पतले वायर लाएँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, काहे कि कार में चलने वाली है तो कोई परेशानी ना हो बीच में जाके कि शॉर्ट सर्किट, तो इस तरह का वायर का यूज ना करें। तो फ्रेंड ये हमारा कैपेसिटर, इस कैपेसिटर से ही मैं यहाँ पे सारा चीज़ करूँगा। तो चलिए फ्रेंड पहले इस सर्किट डायग्राम को समझ लीजिए, तभी इस सोनी एम्पलीफायर में आप यहाँ पे कनेक्शन कर पाएंगे, और इजीली ये डायग्राम को समझ के इजीली आप उसको कनेक्शन करके आप अपना ब्लूटूथ डिवाइस इस सोनी कार एम्पलीफायर में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं जानता हूँ इस ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में, ये ब्लूटूथ डिवाइस 3.0 या 5.0 कोई भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसमें कॉमन चीज़ क्या होता है कनेक्शन, जो कि सब में सेम होगा। यहाँ पे ब्लूटूथ में यहाँ पे दिया हुआ 5 वोल्ट DC, तो यहाँ पे DC करंट, यहाँ पे DC वोल्टेज जो है यहाँ पे लेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिया हुआ रहेगा जो कि 5 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे लिखा भी होगा 5 वोल्ट या VCC करके लिखा होगा। तो ऐसे छोटा ब्लूटूथ किट में 5 वोल्ट के नीचे ही वोल्टेज यहाँ पे लेती है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव, जो कि एक 7805 से, ये हमारा 7805 रेगुलेटर IC है, जिसमें पहला नंबर पिन में 12 वोल्ट DC करंट देंगे और बीच वाली पिन में नेगेटिव देंगे, और आउटपुट में मुझे मिलेगा 5 वोल्ट, जो कि थर्ड नंबर पिन में आउटपुट 5 वोल्ट मेरे को मिल रहा है, और ये बीच वाली पॉइंट से नेगेटिव, जो कि इस ब्लूटूथ किट का इस नेगेटिव पॉइंट में जुड़ रहा है, और ये पॉइंट पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव इस 7805 का 3 नंबर पिन में जुड़ रहा है। बीच में यहाँ पे ऑन माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक कैपेसिटर लगा दें तो अच्छी रहेगी, कोई भी कैपेसिटर यहाँ पर लगा सकते हैं, माइनस को माइनस तरफ, प्लस को प्लस तरफ, जिस तरफ माइनस कनेक्शन दिया रहेगा उधर माइनस लगाएंगे, और पॉजिटिव तरफ कुछ नहीं रहेगा उधर पॉजिटिव लगाएंगे, उसको लगा भी सकते हैं नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये हो गया आपका पावर का कनेक्शन। अब बात रही इस पावर को कहाँ पे जोड़ेंगे, इस पावर को 12 वोल्ट को इस सर्किट में ही जोड़ेंगे,
जो कि कार एम्पलीफायर का जहाँ से वोल्टेज हमको मिलेगा वो वीडियो में आगे हम आपको दिखा देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पर है ब्लूटूथ का लेफ्ट राइट और ग्राउंड पिन जो है इस कार एम्पलीफायर में इनपुट कहाँ करेंगे, जहाँ से मुझे ऑडियो रिसीव हो जाए ब्लूटूथ का और मुझे कार एम्पलीफायर में ब्लूटूथ का आवाज़ सुनाई दे। तो ये पिन आउट मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो कि वीडियो में आप देख रहे होंगे। और ये जो है डायग्राम है हमारा, इस डायग्राम की मदद से इस वाले मॉडल का कार एम्पलीफायर में इजीली कनेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस साइड से देखेंगे तो पहला दूसरा छोड़ के तीसरा नंबर जो हमारा ग्राउंड पिन होता है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर पहला छोड़ के दूसरा और तीसरा, ये जो है लेफ्ट राइट, कहीं भी आप जोड़ सकते हैं लेफ्ट राइट को, आप जिधर लेफ्ट रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ AUX GND, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है AUX GND। तो इसके मदद से यहाँ पे आप कनेक्शन कर पाएंगे। देखो AUX का GND, AUX, तो ये AUX यहाँ पे आया, AUX यहाँ पे आया, ये GND पीछे चल गया। तो इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन है फ्रेंड, इजीली आप समझ गए होंगे। और चलिए मैं वीडियो के साथ में वीडियो में आपको इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं, और आगे कुछ प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सअप चैट आप हमसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमारा ब्लूटूथ किट जो है कुछ चीज़ डैमेज हो चुका था पहले से हमारे पास था, तो जिसके कारण थोड़ा सा कनेक्शन करने में मुझे परेशानी हो रही थी। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लूँगा, जैसे आपको डायग्राम समझाया सेम उसी तरीके से कनेक्शन करना है। और मैं आपको कनेक्शन कर लिया हूँ, और मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको कनेक्शन कनेक्ट किया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दो लेफ्ट राइट जो है आगे तरफ है और एक पीछे तरफ है GND, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन होगा, आप देख लीजिए। और सेम जो डायग्राम में बताया हूँ वो डायग्राम के थ्रू ही यहाँ पे कनेक्शन मैंने किया है। अब रही 12 वोल्ट की बात फ्रेंड, तो डायग्राम में दिखाया कि 8805 को 12 वोल्ट चाहिए, तो 12 वोल्ट ये कैपेसिटर के थ्रू ले लेंगे, तो जो कि मैं कैपेसिटर के थ्रू लूँगा यहाँ पे 12 वोल्ट, जो कि आपको भी लेना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्या कि 12 वोल्ट हमने कनेक्शन कर लिया हूँ, क्या कि डायग्राम तो आपको समझाया डायग्राम के थ्रू अब करना है। और वायर को सही तरीके से लगाएं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड। और फ्रेंड आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर न्यू है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट तो ज़रूर करें। और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो को आप देख पाएंगे। और यहाँ पे 7805 को हम इस तरह से रख रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पे इजीली सेटिंग करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि खोलना तो बहुत आसान है फ्रेंड, लगाना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी चीज़ को करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसको बिगाड़ना बहुत ही आसान होता है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। बिगाड़ तो दिया हूँ लेकिन फ्रेंड अब लगाने में हमारी फट जाएगी, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। चलिए मेरा तो लग गया फ्रेंड, मैं इजीली इसमें कर लिया हूँ बहुत ही मेहनत करने के बाद। तो आप भी खोलें तो ध्यान रखें कि कहाँ से क्या खोल रहे हैं और कहाँ पे क्या लगेगा। हम तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मुझे तो पता चल जा रहा था, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको बता दिया कि आप ध्यान रखें या एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें या ये फ़ोटो खींच लें, कौन सा कहाँ पे पार्ट्स हमने खोला, कौन सा कहाँ पे लगा रहे हैं, कौन सा कहाँ पे ये कर रहे हैं, और नया जगह में कुछ कर रहे हैं जैसे कनेक्शन खोल रहे हैं, तो एक फ़ोटो खींचिए। आपके पास सबसे अच्छा चीज़ है फ़ोन जिसमें कैमरे हैं, उस कैमरे के थ्रू से आप फ़ोटो खींचिए, जो कि आपको नॉलेज और आपके काम को बहुत ही आसानी बना देगा। और आप कनेक्शन को भूल नहीं सकते, कोई गलत कनेक्शन नहीं कर सकते, कोई गलत कनेक्शन हो नहीं सकता, तो ये चीज़ कीजिए। क्योंकि फ़ोन आप हर आदमी के पास फ़ोन होता है, आप वीडियो भी देख रहे हैं तो फ़ोन में देख रहे हैं, कोई एक स्मार्ट टीवी या टीवी में नहीं देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, एक यूट्यूब चैनल और एक मोबाइल में देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास फ़ोन नहीं है, तो मैं जो बताया वो ट्रिक को अपनाइए, कोई भी कनेक्शन को मिस्टेक नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर लाइन जोड़ रहा हूँ और आपको कार एम्पलीफायर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको चला के दिखाते हैं।
तो फ्रेंड, वीडियो बनाना में बहुत ही मेहनत लगती है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते। हाँ, जो करते हैं उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं करते फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि हम लोग को सपोर्ट करें ताकि इसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को मैं आपको दिखा पाऊँ और ऐसे रिलेटेड वीडियो को आपको जानकारी दे पाऊँ और आपका जो है काम इजीली हो जाए। तो हम सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है फ्रेंड, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और शेयर तो करना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड, लेकिन सब्सक्राइब करना आपसे हो सकता है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। हमारा एक सेकंड चैनल है जिसमें प्रोजेक्ट का वीडियो बनाता हूँ, उसको भी जाकर देख सकते हैं सर्किट इफेक्ट प्रोजेक्ट चैनल पे। और चलिए, हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही है। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, और फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे फ्रेंड।